नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो खबरें ज्यादा होने के कारण आप सुने यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पहली खबर, और ये है जहानगंज से। क्योंकि जब से बलराज भाटी जी ने एसओजी प्रभारी पद संभाला है, तब से अपराधियों में भगदड़ मच गई है और पुलिस अधीक्षक जी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ धरपकड़ चल रही है। पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक जी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में थाना जहानगंज पुलिस के सहयोग से एसओजी प्रभारी बलराज भाटी व थाना अध्यक्ष देवेश कुमार, एसआई लेखपाल आदि ने 80 प्लास्टिक की जेरिकेन में 3200 लीटर रेक्टिफाइड व 45 देसी शराब के पौवे, 200 ml, 760 खाली पौवे, 3500 ढक्कन बब्बर शेर मिरिंडा ब्रांड के, 262 लेवल रंगीन तरल पदार्थ यानी कैशमेल, 3 अदद मोबाइल और लगभग 58,000 क्वार्टर सहित ग्राम बेटा से धर दबोचा, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख बताई जा रही है। जिसमें मुख्य आरोपी बंटी को, जो नोएडा का निवासी है, को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त आदित्य दुबे छिबरामऊ, शिवपाल जाटव छिबरामऊ, गोयलाल पेरी गड़िया दरौर कमालगंज को गिरफ्तार किया। पहले भी आपराधिक इतिहास है, तो आइए आगे की जानकारी लेते हैं अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह जी से। ये चीजें बरामद हुई हैं ग्राम बेटा के पास से, इनकी लगभग कीमत 40 लाख रुपए आकी जा रही है। यह भी जानकारी हुई है कि ये नोएडा से इनका कनेक्शन है और ये शराब नोएडा से ला रहे थे। इस प्रकरण में हम विवेचना के क्रम में ये कहां से शराब आ रही है, इन सब चीजों का भी पता लगाएंगे और इससे जुड़े हुए अन्य सारे तथ्यों का भी पता लगाया जाएगा। ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से कई का आपराधिक इतिहास भी है और हम इनको विवेचना में आपराधिक इतिहास को भी कनेक्ट करेंगे। क्या सर, इनके खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, हमें जिस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होंगे, इनके विरुद्ध अगर ये अवैध धन उगाही के लिए, अवैध धन कमाने के लिए गैंग बनाकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम गैंगस्टर भी करेंगे इनके विरुद्ध। कितने समय से चल रहा था सर ये? सर भाई, ये अभ्यस्त अपराधी हैं, पकड़े भी गए हैं, तो इसलिए विवेचना का विषय है। हम देखेंगे कितने समय से काम चल रहा था और कब, इसमें कौन कौन सम्मिलित है। कितने अपराधी हैं लगभग सर? 3 गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोगों की तलाश है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संगत तथ्य जब प्रकाशित होगा तो पता चलाया जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर, और यह है शमशाबाद से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने अपनों पर सितम गैरों पर करम कहावत सच साबित हो गई और सरकार की पोल खुल गई। ये साफ हो गया कि प्रशासन कोविड-19 को लेकर कितना सक्रिय है। दरअसल नगर पंचायत शमशाबाद अधिशासी अधिकारी अपने स्टाफ के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उनके साथ क्रूर मजाक किया गया। अधिशासी अधिकारी आशीष कुमार व पूरे स्टाफ को बिठा कर रखा गया। जब उनकी ओर किसी ने तवज्जो नहीं दी, तब उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक से फोन पर बात की और सिफारिश करने को कहा, परंतु मेहनत बेकार हो गई और अधिशासी अधिकारी को कल आने को कहा। भारी बेइज्जती के बाद अधिशासी अधिकारी वापस लौट गए और एक अधिकारी के साथ ऐसा कृत्य अति निंदनीय है। खैर, अधिशासी अधिकारी ने सरकार व जिला प्रशासन की आबरू बचाते हुए खूब बहाना बनाया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आप डोज करवाए आए हैं, बूस्टर डोज करवाने गए थे आप? नहीं, मुझे कोवैक्सीन लगनी थी बूस्टर डोज के तौर पर। जी जी। और अभी अधीक्षक जी से बात भी हुई और वहाँ पर एनएम बैठी हैं जी, तो वार्ता से ये पता चला कि इनके पास कोवैक्सीन खत्म हो गई है जी,
और उसको आने में करीब अभी आधा घंटा लगेगा, तो कल के लिए टाइम दिया गया है। कल के लिए टाइम दिया। अभी आपने फोन पे कुछ किसी से सिफारिश भी की थी? सिफारिश नहीं, हमने अधीक्षक जी से बात की थी, तो उन्होंने बताया, उनको पहले ज्ञात नहीं था, बाद में उन्होंने जानकारी लेकर बताया कि अभी वैक्सीन नहीं है, आधे घंटे में आ रही है, तो 4 बजे तक वैक्सीनेशन होता है, तो अब ये वैक्सीनेशन जो है कल होगा। कल होगा, जोर से पकड़ के मिलेगा, ऐसे करेंगे। सही। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर, क्योंकि पैथोलॉजी संचालक के ऊपर दर्ज हुआ दुष्कर्म का मामला। जी हां, भाई कमालगंज भूसा मंडी निवासी भरत गुप्ता संजय गुप्ता के ऊपर दुष्कर्म का मामला पीड़ित महिला ने दर्ज कराया। तो आइए आगे की बात सुनते हैं क्षेत्राधिकारी सौरव आलम से। आज दिनांक 16/1/2022 को एक महिला द्वारा, जो कस्बा कायमगंज की मोहल्ला प्रेमनगर की निवासी है, थाना कोतवाली कायमगंज पर आकर तहरीर दी गई कि भरत गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता निवासी भूसा मंडी कस्बा व थाना कायमगंज द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया। वह कल दिनांक 15/1/2022 को रात्रि 9 बजे वह और 2 अन्य व्यक्तियों के साथ घर में आकर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। इस तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब आप सुने यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की चौथी खबर, और यह है थाना कंपिल की। थाना अध्यक्ष कंपिल दिग्विजय सिंह ने मय टीम के साथ भूरे उर्फ राम रतन पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम खेतलपुर सौरिक को 302 के वांछित अपराधी को बरखेड़ा नहर पुल से गिरफ्तार कर लिया। तो आइए जानते हैं आगे की जानकारी क्षेत्राधिकारी सौरव आलम से। जी सर, आज जो आरोपी पकड़ा गया है उसके लिए क्या कह रहे हैं? ये प्रमोद उर्फ नन्हे पुत्र आसाराम निवासी खेतरपुर सोरिया, इनकी 10 जनवरी को गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में अभियुक्त के भाई, मृतक के भाई सत्यपाल की तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 IPC का। इस संबंध में इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, इसमें मुख्य अभियुक्त भूरा उर्फ राम रतन पुत्र रण सिंह की आज गिरफ्तारी की गई है और उसे जेल भेजा जा रहा है। आज इसे कहां से पकड़ा गया है? बरखेड़ा नहर पुल के पास से इसकी आज गिरफ्तारी की गई। किसकी तरफ से गिरफ्तारी है? गिरफ्तारी थाना अध्यक्ष की तरफ से है। क्या बरामदी हुई? कत्ल करने के लिए, गला घोटने के लिए इन्होंने जो रस्सी इस्तेमाल की थी कपड़े की, वो उनकी निशानदेही पर बरामद की गई। ये घटनास्थल के पास जो सरसों का खेत था वहाँ से बरामद की। हत्या की सर मुख्य वजह क्या रही? मृतक प्रमोद उर्फ नन्हे मानेसर हरियाणा में एक विंडो बनाने की कंपनी थी, उसमें काम करता था। और ये जो आरोपी है दूरा, ये अभी मानेसर में ही काम करता था और ये सिलाई का काम करता था। दोनों वहाँ पर भी पास पास कमरा लेकर रहते थे। मृतक अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो मृतक को यह संदेह था कि अभियुक्त का उसकी पत्नी से संबंध है। इसी को लेकर घटना वाले दिन शाम को शराब पीने के बाद दोनों में कहासुनी और मारपीट हुई थी और वहीं हत्या की घटना कारित थी। सर, जो हत्या हुई है सर योजनाबद्ध नहीं थी? इसमें पूर्व रंजिश नहीं थी। जी सर, घटना वाले दिन ही यह मानेसर से आया था और उसी दिन शाम को इन सब ने शराब पी और वहीं पर एक घटना हुई। अन्य आरोपी सर कब पकड़े जाएंगे? अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे लेकर दूसरी खबरें। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।